नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चाइना में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है पेवर ब्लॉक्स। आपने अक्सर देखा होगा सर्विस रोड्स, गार्डन्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग एरिया या फिर सिटी रोड, हर जगह पेवर ब्लॉक प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कौन कौन से टाइप के पेवर ब्लॉक्स है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब आज हम डिटेल देखेंगे। दोस्तों, एक कंक्रीट पेवर ब्लॉक है, ये आप देख सकते हैं। ये M50 ग्रेड का कंक्रीट पेवर ब्लॉक है। इसमें M50 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है और इसका थिकनेस इसका यहाँ से यहाँ तक 100 mm थिकनेस है। और ये जहाँ वही हेवी ट्रैफिक जहाँ है वही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बस टर्मिनल्स है, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स है, जहाँ ट्रैफिक बहुत ही हेवी है वहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है। थिकनेस 100 होना है, ऊपर से M50 ग्रेड है, तो ये बहुत ही हेवी है, वहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप देख सकते हैं और ये इंटरलॉक टाइप है, इसके शेप से ही आपको पता चलेगा। और इसका डेप्थ ऐसा है, इधर आप देख सकते हैं, इधर से इधर डेप्थ इसका 100 mm। क्लासिफिकेशन ऑफ पेवर ब्लॉक्स। पेवर ब्लॉक क्या है? पेवर ब्लॉक एक वेल नोन एडॉप्टेबल सर्फेस ट्रीटमेंट है, जो अस्फाल्ट रोड या फिर जो मेन रोड है उसके साइड में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के स्क्वायर, स्टाइलिश, सेटिस्फाइंग, एग्रीबल, अलग टाइप के डिज़ाइन भी मिलते हैं, जिसमें ज़्यादातर चलने के लिए इस्तेमाल, ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एकदम इनक्रेडिबली स्ट्रांग है और मेंटेन करने के लिए सबसे ईजी है। अभी कौन कौन से टाइप्स के पेवर ब्लॉक्स है? अभी इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक्स, कुछ कुछ पेवर ब्लॉक्स है जो इंटरलॉकिंग है, कुछ कुछ वो सिंपल है, वो हम देखेंगे। तो उसमें अभी इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक जो है वो चार कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। सबसे पहला है मटेरियल यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन, कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया गया है उस प्रोडक्शन करते समय, उसके ऊपर एक है। दूसरा है थिकनेस और ग्रेड, पेवर ब्लॉक का थिकनेस कितना है, उसका ग्रेड क्या है, जनरली ये कॉन्क्रीट के पेवर ब्लॉक के लिए है। तीसरा है पैटर्न एंड यूज, कौन सा टाइप का पैटर्न है, वो कैसे यूज करना है, किधर यूज करना है। चौथा है शेप्स एंड लॉकिंग, वो पेवर ब्लॉक के अलग अलग डिफरेंट शेप्स है, वो अट्रैक्टिव कलर, अट्रैक्टिव डिजाइन भी है, तो उसके हिसाब से, और लॉकिंग का भी, वो चौथा टाइप है। अभी सबसे पहला है रॉ मटेरियल्स यूज, इसमें आप स्केच में देख सकते हैं, ये प्लास्टिक पेवर ब्लॉक्स। इसमें दिस टाइप ऑफ पेवर ब्लॉक्स आर मेड ऑफ रिसाइकल्ड वेस्ट प्लास्टिक, मतलब जो रिसाइकल्ड वेस्ट प्लास्टिक है उससे पेवर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ये एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली है और ये अनवांटेड प्लास्टिक वेस्ट को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है कॉन्क्रीट पेवर ब्लॉक्स। ये कॉन्क्रीट पेवर ब्लॉक्स एक मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला पेवर ब्लॉक है, ये ज़्यादातर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। और कंक्रीट पेवर ब्लॉक्स एकदम टफ है, स्ट्रांग है और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, और ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सस्टेन होते हैं। इसके बाद है क्ले पेवर ब्लॉक्स। ये क्ले पेवर ब्लॉक्स एक मोल्डिंग में, जो मोल्ड रहता है, मोल्ड में क्ले मटेरियल डाल करके पिगमेंट के साथ में, और उसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स ऐड करके, और उसमें उसके बाद में किल करके रहता है, उसमें एक किल मतलब एक भट्टी रहती है, उसमें एक हाई टेम्परेचर को उसको ये करके बाद में बनाए जाते हैं। ये पेवर ब्लॉक जो है वो एक लिमिटेड यूजेस रहते हैं इसमें, और मेन इसका मेन ट्रेडिशनल लुक आने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, वो जो पेवर्ड एरिया है उसको ट्रेडिशनल लुक आने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है स्टोन पेवर ब्लॉक्स। इसमें ज़्यादातर नेचुरल स्टोन्स है, नेचुरल स्टोन्स आर कार्व एंड कट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब नेचुरल स्टोन को कट करके कार्व करके इसको पेवर ब्लॉक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है रबर पेवर ब्लॉक। इसमें रिसाइकल्ड रबर का इस्तेमाल किया जाता है ये टाइप के पेवर ब्लॉक तैयार करने के लिए।
इसमें पिगमेंट का भी अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स कलर्स ऐड किए जाते हैं इसका अपीयरेंस या फिर लुक बढ़ाने के लिए। अभी हम देखेंगे थिकनेस और ग्रेड। ये कंक्रीट पेवर ब्लॉक है जो ज़्यादातर आजकल इस्तेमाल हो रहा है। अभी कौन कौन से ग्रेड का कंक्रीट है और कौन कौन से जगह इसको इस्तेमाल करना है इसका एक डिटेल चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर, ग्रेड डेजिग्नेशन ऑफ पेवर ब्लॉक, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज पर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसके बाद है ट्रैफिक कैटेगरी, इसके बाद है रिकमेंडेड थिकनेस, मतलब पेवर ब्लॉक का थिकनेस कितना रिकमेंडेड किया गया है इन मिलीमीटर, और एरिया ऑफ यूज, कौन कौन से लोकेशन पे या जगह पे उसको यूज़ करना है। सबसे पहला है M30 ग्रेड पेवर ब्लॉक। M30 ग्रेड में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज का है, 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और ये ट्रैफिक कैटेगरी, नॉन ट्रैफिक कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं, और इसका थिकनेस है 50 mm, रिकमेंडेड थिकनेस 50 mm। और ये कहाँ यूज़ करते हैं, पब्लिक गार्डन्स, पाथवेज, एम्बैकमेंट स्लोप्स, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता वहाँ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है M35 का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज का, 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये जहाँ लाइट ट्रैफिक है वहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका थिकनेस रिकमेंड किया है 60 mm। और ये कहाँ यूज़ होता है, शॉपिंग प्लाजा, रैम्प्स, कार पार्क्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फार्म हाउस और रिसॉर्ट्स में जहाँ लाइट ट्रैफिक रहता है। इसके बाद है M40, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज है, 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मीडियम ट्रैफिक जहाँ है वहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका रिकमेंडेड थिकनेस है 80 mm। इसके बाद ये कहाँ यूज़ करते हैं, सिटी रोड, स्मॉल एंड मीडियम मार्केट रोड्स, जहाँ मीडियम ट्रैफिक रहता है। इसके बाद है M50 ग्रेड, इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज, इसका स्ट्रेंथ है 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका ट्रैफिक कैटेगरी है हेवी ट्रैफिक, जहाँ हेवी ट्रैफिक है वहाँ यूज़ करते हैं, और इसका रिकमेंडेड थिकनेस है 100 mm। और ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बस टर्मिनल्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, फैक्ट्री फ्लोर, सर्विस स्टेशन, इंडस्ट्रियल पेमेंट्स, जहाँ हेवी ट्रैफिक है वहाँ ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है M55 ग्रेड, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज है, 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये जहाँ वेरी हेवी ट्रैफिक है वहीं यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका थिकनेस रिकमेंड किया गया है 120 mm। और ये कहाँ यूज़ करते हैं, कंटेनर टर्मिनल्स, जैसे कोई पोर्ट है, जेटी है, वो साइड में जो कंटेनर्स रहता है वहाँ कंटेनर टर्मिनल्स, ट्रक टर्मिनल्स वगैरह है वहाँ कंटेनर टर्मिनल्स, इसके बाद पोर्ट है, डॉक है, डॉक यार्ड है, एयरपोर्ट पेमेंट है, इसके बाद बल्क कार्गो हैंडलिंग एरियाज है, जहाँ वेरी हीवी ट्रैफिक है वहीं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हम देखेंगे पैटर्न और यूज़ के हिसाब से। सबसे पहले रेगुलर पेवर ब्लॉक्स, ये जो आप इसमें इसके पिक्चर में देख सकते हैं, ये पेवर ब्लॉक जनरली इंटरलॉक टाइप, इसमें देख सकते हैं आप इंटरलॉक किए हुए पेवर ब्लॉक्स है, एक दूसरे के साथ वो इंटरलॉक किए रहते हैं, बीच में गैप नहीं रहता है जॉइंट में, और ये पार्किंग एरियाज में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, फुटपाथ पे यूज़ किए जाते हैं, बेसमेंट में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, व्हीकल और ह्यूमन ट्रैफिक इज मच मोर, वहीं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है परमिएबल पेवर ब्लॉक्स, इसमें आप स्केच में पिक्चर में देख सकते हैं, ये नाम से ही पता चलता है, इसमें ये जहाँ वाटर ड्रेन करने के लिए जगह है, जब अभी इसमें आप देख सकते हैं बीच में पूरा घास वगैरह है, इसमें परमिएबल पेवर ब्लॉक्स आर यूज इन गार्डन्स, ज़्यादातर गार्डन में इस्तेमाल किए जाते हैं, पाथवेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें ज़्यादा व्हीकल नहीं रहते, व्हीकल ट्रैफिक नहीं रहता, और इसमें वेजिटेशन या फिर ग्रास जॉइंट में ग्रो बढ़ाते हैं, और इसमें जो पानी पूरा अंदर से पास हो सकता है, इसमें ड्रेन हो सकता है, उस हिसाब से ही परमिएबल पेवर ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है शेप सैंड लॉकिंग, पहला है टाइप ए, इसमें आप शेप देख सकते हैं, हेक्सागोनल टाइप शेप है ये टाइप के पेवर ब्लॉक, इसमें एज जो रहता है वो एकदम प्लेन रहता है, सारे फेस में एज एकदम प्लेन रहता है, ये एक दूसरे में इंटरलॉक नहीं रहता, मतलब ये थ्रू आउट प्लेन ही रहता है। इसके बाद है शेप्स एंड लॉकिंग टाइप बी, इसमें एक अल्टरनेट टाइप का प्लेन फेसेस है और कर्व टाइप रहता है, इसमें टाइप बी पेवर ब्लॉक जो है वो एक अलग डिफाइंड पैटर्न में पेव करते हैं, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं,
ये देखिए इसका शेप है, ये इधर। इसके बाद है टाइप सी। इसमें क्या है, पिक्चर में देख सकते हैं कि सारे फेसेस जो है वो गर्वड़ एजेस रहते हैं और इंटरलॉक विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से वो इंटरलॉक रहते हैं। और इसमें ज़्यादातर किसी भी पैटर्न में ये प्रयोग किया जा सकते हैं या फिर बनाए जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्योर ब्लॉक। प्योर ब्लॉक का एडवांटेजेस क्या क्या है। प्योर ब्लॉक को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती कंपेयर टू अस्फाल्ट और कॉन्क्रीट रोड या फिर जो सरफेसेस है, उससे प्योर ब्लॉक का मेंटेनेंस कम रहता है। एक सिंपल पानी से धो लेने से फिर वॉश करने से भी ये प्योर ब्लॉक क्लीन और शानदार रहते हैं, चमकते हैं। इसके बाद प्योर ब्लॉक एकदम ड्यूरेबल है, ज़्यादा देर टिकते हैं। और अगर वो प्रॉपरली इंटरलॉक किया गया, उसका प्रॉपर बेस अगर किया गया, मेन इंपॉर्टेंट उसका बेस करना है, अदरवाइज आप कितने भी अच्छे प्योर ब्लॉक यूज़ करो, बेस अगर खराब हो गया तो प्योर ब्लॉक को अंदर दबते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। तो अच्छे से प्रॉपरली उसका वर्कमैनशिप करके बेस करके किया गया, अच्छे से इंटरलॉक किया गया, तो 20 ईयर्स और मोर टिकते हैं। और ये प्योर ब्लॉक ईजीली पानी से वॉश हो सकते हैं। और प्योर ब्लॉक किसी भी हेवी व्हीकलर लोड के लिए विथस्टैंड हो सकते हैं या फिर कोई भी लोड वो कैरी कर सकते हैं। इसके बाद प्योर ब्लॉक अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल है, इसलिए उसका लुक या फिर अपीयरेंस एकदम चेंज होता है। और ये ब्लॉक जनरली रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। प्योर ब्लॉक का स्लिप रेजिस्टेंट और स्कीड रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए स्लिपरी नहीं रहते हैं या फिर वहाँ से कुछ स्लिप होने का चांस नहीं, एकदम स्लिप रेजिस्टेंट रहते हैं। प्योर ब्लॉक किसी भी टाइप के वेदर कंडीशन में यूज़ किए जा सकते हैं। और प्योर ब्लॉक ये इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही ईजी है और कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैन्युअली इंस्टॉल किए जा सकते हैं या फिर फिक्स किए जा सकते हैं। और प्योर ब्लॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्योर ब्लॉक्स ये इजीली रिप्लेस भी किए जा सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर कोई अगर प्योर ब्लॉक ख़राब हो गया तो उतना निकाल करके दूसरा उसमें आप बैठा सकते हैं बगैर साइड के पूरा पेवमेंट को डिस्टर्ब किए, मतलब पर्टिकुलर एक दो पेवर ब्लॉक अगर खराब हो गए तो वो आप उतना निकाल के दूसरे पेवर ब्लॉक उसमें बैठा सकते हैं, इसलिए इसमें ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम लो है। तो दोस्तों आपने देखा ये कौन कौन से टाइप के पेवर ब्लॉक्स है और ये कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।